नमस्कार, इंकलाब टीवी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स ऑफ आनंद कार्यालय में शिवहर के राजद विधायक चेतन आनंद ने की प्रेस वार्ता। फ्रेंड्स ऑफ आनंद कार्यालय में शिवहर के राजद विधायक चेतन आनंद ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता के दौरान केंद्र सरकार द्वारा संसद में पेश आम बजट को लेकर चर्चा की। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि यह बजट अमीर को अमीर और गरीब को गरीब से भी गरीब बनाने वाला बजट है। बजट स्पेशली उन राज्यों के लिए जहां हाल ही में चुनाव होने हैं, उन्हीं के लिए है। बजट में बिहार के लिए कुछ भी खास नहीं है, ना तो विशेष राज्य का दर्जा है, ना ही विशेष पैकेज, और कोशी के लिए तो कुछ भी नहीं है। कोशी के सभी NDA सांसद को यह बताना उनकी नैतिक जिम्मेवारी है कि जब बजट पेश हो रहा था तब मेजे थपथपाने के अलावा वे क्या कर रहे थे। पुलिस और क्या कहते हैं जो भी लोग थे उनके बीच में कोई मतलब पथराव नहीं हुआ, कोई आपको क्या कहते हैं ऐसा माहौल नहीं पैदा हुआ जिसमें लाठी डंडा और गोली चलने की नौबत आई हो। लेकिन लाल किला तक कौन ले गया, और ये कौन है, ये दीप संधू कौन है, दीप सिद्धू कौन है, ऐसे ऐसे लोग जो मतलब आपको क्या कहते हैं सनी देओल और हमारे प्रधानमंत्री के साइड में फोटो खिंचाते हैं और उधर जाकर के लोगों को भड़काते हैं, कौन है ये लोग, किसके एजेंट है, और इन एजेंट की एंट्री किसने कराई, और ये एजेंट लाल किला पे क्या कर रहे थे, किसने भेजा इन्हें। और ये बात मैं बता दूं कि आंदोलन जब भी हुआ है, जिस भी देश में हुआ है, सत्ता पक्ष ने हर समय उसको दबाने की, उसको बदनाम करने की कोशिश की है, उसी में एक कड़ी और थी। बिहार का जो मुद्दा है विशेष पैकेज का, आज हम सभी लोगों से पूछना चाहेंगे, खास करके यहाँ के MP जो है कोसी एरिया के बिहार के, ये लोग जब मेज थपथपा रहे थे तब इनको याद नहीं आया कि विशेष पैकेज का भी मांग है, तब इनको याद नहीं आया कि कोसी में जो बाढ़ प्रभावित एरिया है उसमें कुछ इन लोगों को मांग करना चाहिए, इनको याद नहीं आया कि बागमती जो है आपको मुजफ्फरपुर और शिवहर में जो आपको कहर धारती है उसके लिए कोई योजना बनानी चाहिए। तो ये सारे चीजें जो मेन मुद्दे थे वो बजट से गायब थे, और अन्य सारी बातें कि इस देश को कैसे प्राइवेटाइजेशन की ओर डाल देना है, निजी कंपनियों के हाथ में डाल देना है, उसके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से इन लोगों ने ये करने का काम किया। और साथ ही साथ हम एक और प्रश्न पूछना चाहेंगे, जब चाइना के साथ प्रॉब्लम हो रहा है तो आखिरकार आपने उधर जा करके हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने आर्मी के का जो बजट होता है, अपना डिफेंस बजट होता है, उसके बारे में एक शब्द क्यों नहीं बोला, ये सोचने वाली बात है। जो मेन काम है जो चाइना से आप लड़ रहे हैं लगातार, पाकिस्तान से लड़ रहे हैं लगातार, लेकिन डिफेंस बजट के बारे में आपके पास बोलने के लिए कुछ, डिफेंस बजट में तो 18% बढ़ाया ना, बोली वहां पर जाकर के बोली नहीं, बोली है, आप एक बार पता कीजिए, उन्होंने एक शब्द नहीं बोला है। हमारा उससे इस बात का विरोध करते हैं हम लोग कि आखिर आप लोग उधर लिख के जब गए थे डिफेंस का, जब पूरा देश सुनना चाह रहा था, तो निर्मला सीतारमन चुप क्यों थी। और एक और बात बता दें कि उतना ज्यादा नहीं बढ़ाया गया है, आप एक बार उस बजट को देखिए, जिस हिसाब से हर बार बढ़ाया जाता था डिफेंस का, उस हिसाब से इस बार नहीं बढ़ाया जी। इंकलाब टीवी चैनल यदि आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।